वर्णमाला। वर्ण भाग 3 व्यंजन। इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। ये मूल रूप से 33 होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। उच्चारण के आधार पर इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ग के नाम पर रखा गया है। का वर्ग से पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, ठा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। वर्ग का अंतिम वर्ण पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहलाता है। सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला हुआ है। अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का होता है। ये संख्या में 4 है। ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा या गर्मी निकलती है। ये संख्या में 4 है। संयुक्त व्यंजन, 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनते हैं। ये संख्या में 4 है। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे इक्का, इम्मा आदि। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन का बिन स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क्या, न्या, स्वा।